नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आज रायपुर सिविल लाइन वृंदावन हॉल में राम उत्सव कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम नई दुनिया के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्वामी मैथिली शरण अयोध्या चित्रकूट से पधारे थे और राम उत्सव धूमधाम से विभिन्न समाज के बुद्धिजीवों, पत्रकारों, हिंदू समाज के आध्यात्मिक चिंतन के बीच मनाया गया। इस राम उत्सव में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव, सच्चिदानंद उपासने, केदार गुप्ता, किशोर महानंद विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहे। उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी के ननिहाल कौशल राज्य छत्तीसगढ़ से 3000 मीट्रिक टन सुगंधित चावल राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को प्रसाद के रूप में भक्तों को खिलाने के लिए भेजा गया है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार गिरीश पंकज ने कहा है कि राम राज्य में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अभिनंदन किया गया। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, माता जानकी की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज नई दुनिया परिवार द्वारा आयोजित श्री राम महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान स्वामी श्री मैथिली शरण जी, मैथिली शरण जी नई दुनिया के संपादक सदगुरु शरण अवस्थी जी, आदरणीय गिरीश पंकज जी, श्याम बैस जी, मोहम्मद फैज खान जी, डॉक्टर अमरनाथ त्यागी जी, रमेंद्रनाथ मिश्र जी, नर्मदा प्रसाद मिश्र जी, डॉक्टर अनुराधा दुबे जी, सतीश चंद्र श्रीवास्तव जी जो यहाँ के हमारे नई दुनिया के संपादक हैं, आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी, केदार गुप्ता जी, किशोर महानंद जी और इस सभागार में उपस्थित सभी राम भक्त देवी और सज्जनों, मुझे आने में देरी हुई है, इसके लिए मैं संतों से और नई दुनिया परिवार और सभी राम भक्तों से सबसे पहले क्षमा याचना करता हूं। आज पूरा देश ही नहीं दुनिया राममय है और हमारा छत्तीसगढ़ के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हम लोग भगवान राम के ननिहाल वाले हैं, माता कौशल्या की नगरी, और पूरे प्रदेश में लोग अलग अलग तरह से वातावरण राममय बनाए हुए हैं। अभी हम लोग इसके पहले गुंडर देही में थे तो गुंडर देही में कांकेर के जो सांसद हैं मोहन मंडावी जी, वहां पर एक तुलसी मानस संस्थान है और वो उसके संरक्षक हैं, उसके पहले वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे और विगत 17 वर्षों से वो आदिवासी क्षेत्रों में घर घर रामचरितमानस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज उनके द्वारा 3100 रामचरितमानस का वितरण हुआ और इस तरह 17 वर्षों में कुल 51,000 रामचरितमानस का वितरण उन्होंने किया और आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें उनका नाम दर्ज हो गया। इस अवसर में बहुत बड़ा मानस प्रेमियों को वहां पर कार्यक्रम था जिसमें प्रदेश भर से राम भक्त वहां पर पधारे हुए थे और वहां से सीधे रायपुर आकर आप लोगों के बीच में आना हुआ है और थोड़ी देरी हुई है और हम भी सुनते हमारे संतों को, लेकिन हमारी मजबूरी है कि 5 बजे से हमारा कैबिनेट है और 5 मिनट बाकी है। तो जैसे मैंने कहा कि पूरा देश ही नहीं दुनिया मतलब राममय हो गया है और बड़ी खुशी की बात है कि जिस राम मंदिर के लिए विगत 500-550 वर्षों से हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी, कईयों ने कुर्बानी दी और आज वो हम लोगों का सफलीभूत हो रहा है। एक कहने में भी संकोच नहीं होता है कि जब हमारे देश में यशस्वी नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हुए तो राम मंदिर का निर्माण प्रशस्त हो रहा है
आने वाले 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और छत्तीसगढ़ में काफी खुशी है। पिछले दिनों हम लोग यहाँ से 3000 टन सुगंधित चावल भेजे और 11 ट्रकों में भर के यहाँ से सुगंधित चावल जो छत्तीसगढ़ में होता है, जो सुगंधित चावलों के लिए छत्तीसगढ़ मशहूर भी है, धान का कटोरा भी कहलाता है। और उस दिन 22 तारीख को वहां पर भगवान को भोग लगेगा उनके ननिहाल के चावल का भात बना के और सब्जी भी।